हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हैकर रैंक के मैथमेटिक्स सेक्शन की। इस प्रॉब्लम का नाम है हेलोविंस पार्टी। रीड आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। एलेक्स इज अटेंडिंग ए हेलोविन पार्टी विद हिज गर्लफ्रेंड सिल्विया। एट द पार्टी सिल्विया स्पॉट्स द कॉर्नर ऑफ एन इनफाइनाइट चॉकलेट बार, टू डायमेंशनल, इनफाइनाइटली लॉन्ग इन विड्थ एंड लेंथ। इफ द चॉकलेट कैन बी सर्व्ड ओनली एज वन क्रॉस वन साइज्ड पीसेस एंड एलेक्स कैन कट द चॉकलेट बार एग्जैक्टली के टाइम्स, वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट पीसेस एलेक्स कैन कट एंड गिव टू सिल्विया। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमारे पास एक इनफाइनाइट चॉकलेट बार है और उसमें के टाइम्स कट करना है। तो आपको ये बताना है कि के टाइम्स कट करने के बाद कितने वन क्रॉस वन साइज के पीसेस मिल जाएंगे। तो कटिंग हमें के टाइम्स ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास जो चॉकलेट बार है वो ऐसा कोई चॉकलेट बार है जिसमें कि लेंथ और विड्थ डिफाइंड नहीं है, और तो मान लीजिए हमें चार कट्स करने हैं। तो अगर हमें टोटल चार कट करने हैं तो ऑप्टिमल कट कुछ ऐसा होगा कि दो कट ऐसे कर दीजिए और दो कट ऐसे कर दीजिए। इस तरह से करने से आपको 1, 2, 3, 4 चार चॉकलेट बार मिल जाएंगे वन क्रॉस वन साइज के। तो यहाँ हमने ये निकाला कि फोर अगर कट्स हमारे पास हैं, तो अगर मुझे दो चार कट्स अगर करने हैं तो टोटल मुझे चार स्क्वायर्स मिलेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि इस फोर की जगह मुझे टोटल नंबर ऑफ जो कट्स करने थे वो सिक्स होते, तो अगर सिक्स होते तो मैं थ्री कट इधर, तीसरा कट इधर से कर देता और तीसरा कट यहाँ से कर देता। अब इस केस में मुझे 9 बार्स मिल गए। आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो मुझे 9 मिल गए। तो एक मैंने यहाँ से पैटर्न निकाला कि 6 अगर होगा तो 9 मुझे स्क्वायर्स मिल जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि मुझे 4 टोटल कट्स जो 8 होते, तो अगर टोटल कट्स 8 होते तो दो कट और बढ़ा लीजिए, एक कट ऐसे हॉरिजेंटली कर लीजिए, एक कट ऐसे वर्टिकली कर लीजिए। तो अब इसके बाद जो आपको जो चॉकलेट बार्स मिल रहे हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 8 कट करूंगा तो अब मुझे 16 टोटल चॉकलेट के बार्स मिल रहे हैं वन क्रॉस वन साइज के। तो क्या मैं यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि अगर मैंने 4 कट्स किए थे तो आप 4 को डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, और मान लीजिए कि ये एक्स वैल्यू है और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने ही चॉकलेट बार आपको मिल रहे हैं। तो जैसे एक्स की वैल्यू 2 है तो 4 वाला तो वेरीफाई हो जा रहा है, 2 into 2 4। इसके बाद अगर मान लीजिए कि 6 कट्स हमने किए तो 6 बाई 2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, और टोटल जो बार्स मिलेंगे वो 3 into 3 9 मिलेंगे। बिल्कुल सही है, ये भी वेरीफाई हो गया। और मान लीजिए कि अगर 8 है तो 8 बाई 2 मैंने किया, ये 4 हुआ, और मुझे टोटल बार्स मिलेंगे एक्स इंटू एक्स मतलब 4 into 4 दैट इज 16, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये तो यहाँ पे वेरीफाई हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम मुझे बाई टू करना है, और बाई टू करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको स्क्वायर कर दीजिए या उसको मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा और एक करेक्शन देखते हैं इसमें। मान लीजिए कि मेरे पास जो नंबर ऑफ कट्स हैं वो 5 हैं, वो 4 ना होके 5 हैं। तो 5 कट्स कैसे किए जा सकते हैं? या तो 3 हॉरिजेंटली कर दीजिए और 2 वर्टिकली कर दीजिए। तो इससे जो नंबर ऑफ चॉकलेट बार आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको 6। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि 6 मुझे चॉकलेट बार्स मिल रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे जो कटिंग अलाउड है वो 7 कट्स अलाउड है, ऑड नंबर ऑफ कट्स 7। तो 7 का मतलब 5 कट्स तो आपने ऑलरेडी देख लिया। इसके बाद फिर एक कट हॉरिजेंटली ऐसे कर लीजिए और एक कट वर्टिकली ऐसे कर लीजिए। तो नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स देखते हैं कितने आपको मिले। 6 तो पहले से थे, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 मिल गए। इस केस में जो मेरा आंसर आया है वो 12 आया है। एक काम करते हैं कि 9 कट्स भी करके देख लेते हैं। तो 9 कट्स का मतलब है कि 2 कट्स और, तो हॉरिजेंटली एक कट और वर्टिकली एक कट। तो अब मेरे पास जो बार्स आए वो कितने आए, 12 तो पहले से हो गए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 आ गए। फाइन, तो यहां से कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। जब मेरे पास 9 थे तो आप एक काम कीजिए कि जो प्रीवियस वाले में हमने किया था कि 9 बाई 2 किया था, तो इससे हमें इंटीजर बाई इंटीजर डिवीजन से 4 मिलेगा। 20 लाने के लिए मुझे इस 4 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
इसका मतलब है कि जितने आप हॉरिजेंटल कट्स लगा रहे हैं और जितने वर्टिकल कट्स लगा रहे हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि 7 वाला है, इसको आंसर लाने के लिए आप क्या करेंगे, जब 7/2 हुआ तो इससे वैल्यू 3 आई, जब आप 3 को एक ज्यादा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है। 5 वाले को वेरीफाई कर लेते हैं, 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा। हमें क्या करना है कि 2 को एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो ये आंसर 6 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर वेरीफाइड है। तो आंसर जो हमने या सोल्यूशन जो हमने निकाला है वो सोल्यूशन कुछ ऐसा निकाला है कि अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ कट्स अलाउड है, जैसे कि के मॉडुलस 2, या चलिए हम एक काम करते हैं कि K/2 फाइंड कर लेते हैं, और अगर के मेरा इवन है तो आपका आंसर होगा एक्स इंटू एक्स, और अगर के ऑड है तो उस केस में आपका आंसर होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1। बहुत ही आसान से सोल्यूशन है, इसी को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और एक चीज आपको जरूर यहाँ पे करना पड़ेगा कि जो आंसर है वो इंटीजर में लिखा होगा, आपको उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा। तो आप फंक्शन का रिटर्न टाइप भी लॉन्ग कर लीजिएगा, और जो एक्स इंटू एक्स आप फाइंड कर रहे हैं या एक्स इंटू एक्स प्लस 1 फाइंड कर रहे हैं, दोनों को लॉन्ग लॉन्ग में ही रिप्रेजेंट करना है, इसलिए रिटर्न टाइप या फिर जो एक्स है वो भी मेरा लॉन्ग वैल्यू होना चाहिए। सो मैंने क्या किया कि ये चेक किया, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड की K/2 से, और उसके बाद फिर अगर के इवन है मतलब के मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इंटू एक्स रिटर्न कर दिया, और अगर के ऑड है तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। फंक्शन को रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया। मैंने प्रॉब्लम को सबमिट किया और अदर टेस्ट केसेस भी बड़े ही आराम से मेरे पास हो गए। सो आई थिंक कि मैंने बड़े आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट।